अलग ही ये देखो डिजाइन बना रखे हैं। ये यहाँ के कागजों में ये क्या मोम है क्या ये डिजाइन दिया जा रहा है? जी जी। अच्छा इससे डिजाइन देते हैं लकड़ी को। ये देखो काली पीली हो गई है, तो ये देखो मंजा काला हो गया। तो अलग अलग कलर की लुद्दी बना के अलग अलग कलर का मंजा बना देते हो गए हैं। तो भाई सब्सक्राइबर है तो ये बरेली का एयरपोर्ट है पूरा, बहुत बड़ा। प्लेन तो दिख नहीं रहा चाचा, आगे अंदर है। अंदर है क्या? देखा तुमने प्लेन? कैसा दिखता है? ठीक है। तो अब जा रहे हैं हम उसकी स्कूटी पे बैठ के। ये मजा आ रहा है भैंस क्या, पूरा बरेली देख रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं। हम जा रहे हैं आपको पतंग दिखाने की, पतंग बनती कैसे, मांजा कैसे बनता। और आगे देखो भाई, रोडों पे दुकान है आप तो देखो। चोर बाजार लगता क्या? चोर बाजार भी यहाँ? वहाँ क्या क्या मिलता है चोर बाजार पे? अच्छा वैसा सेम चोर बाजार, गाड़ी उल्टी भी चलती है यहाँ पे है? तो ये है बरेली की गलियाँ। सब्सक्राइबर निकले हो तो गौरव जोन देखो भाई, बहुत चंद गलियाँ यहाँ भी। ओए खाने पीने का बहुत सौदा है यहाँ। ऑन स्कूटी का चलेगी, ऑन तेरा स्कूटी। ये भूत वाला ऑन लगा रखा है सब। हाँ ना वैसे क्या सब बोल रहे गौरव जोन। भाई मेरे को इतनी उम्मीद नहीं है बरेली में इतने लोग दिखते हैं। वैसे भी है ना वैसे। तो ये बिल्डिंग है देखो कितनी पुरानी। बरेली बहुत पहले का बसा हुआ है। क्या हाल है? अच्छा वीडियोस देखते हो तुम भी है? अभी मैं आगे आपको पतंग और मांजा दिखाने कैसे बनते हैं। यहाँ घरों में बनती है पतंगे, है ना भाई? ये सीन है ना, मांजे भी घर में ही बनते हैं? नहीं मांजे तो फील्ड में बनते हैं। अच्छा फील्ड, वो हाँ आगे फील्ड वही बन रहे होंगे। अभी दिखाते हैं इनकी पतंगे। बनते हुए नहीं बनाई ना कभी? नहीं नहीं पतंग बनते हुए नहीं दिखाई भाई। यहाँ बन रही है अलग अलग। एक पतंग बनने में कितना टाइम लगता है? एक पतंग बनने में 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट लगेंगे जी। अच्छा जी, तो ये अच्छा, लेकिन तुम तो बल्क में बनाते हो, फटफट आगे दो तीन बंदे बनाते रहते हो तो कम टाइम में बन जाती होगी। हाँ, वो दो तीन बंदे फिर काम फैल जाता है ना। हाँ। एक जने का काम नहीं होता, वो काम फैल जाता है। अगर आपको तो मैं पूरी पतंग बनाऊं फिर। पूरी बनाओ, एक पूरी दिखाओ मेरे को। एक बात बताओ, जैसे एक पतंग बनने में, जैसे ये वाली जो तुम बना रहे हो जी, ये कितनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है? तुम कितने की आगे बेचते हो? क्योंकि मैं ये खरीदता हूँ अपने घर पे वहाँ पे 10 रुपए की 15 रुपए की एक पतंग दिल्ली में, और यहाँ अगर बनी हुई कितने की पड़ जाती है? तो इसमें क्वालिटी भी होती है ना। हाँ। वो एक जो पतंग 10 रुपए की होगी वो आपको 4 रुपए में मिल जाएगी यहाँ पे। हाँ अच्छा। 4 रुपए में मिल जाएगी, और वो पतंग 10 रुपए की भी यहाँ मिलेगी। क्वालिटी की बात है ना। ये लेते हैं, ये पेपर कटे हुए आते हैं पहले से तैयार भी आते हैं, काटना ही पड़ते हैं जी। मैं ये पतंग काट के बना, फर्मा लगाया है ना जी, और इससे पूरे डिजाइन से पतंग काटी जा रही है ऐसे। बड़ा चैनल का वो निकाल लिए, ये देखो इससे पूरा नाप लिया जाता है पतंग का, और उसके हिसाब से कागज काटा जाता है। ये देखो तो अभी ये जलेगी मेरे ख्याल से। हाँ जलेगी। तो अभी देखो इसमें आग लगाई जा रही है। इसे डिजाइन देते हैं लकड़ी को। ये देखो काली पीली हो गई है। मंजे सबसे ज्यादा कहाँ बनते हैं? मंजा यहाँ बनता है। मंजा यहाँ पीछे जो बन रहा है, पीछे कावला में माजा यहीं बनता है। माजा यहाँ से ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं बनता है। अच्छा जी, पूरे हिंदुस्तान में यहीं से जाता है। चमक आती है कागज पे। अच्छा ऐसे घिसने से? हाँ चमक आई है उसपे। हाँ फटना जा भाई, बनते बनते कई पतंगे तो फट भी जाती होंगी। हाँ हाँ फट जाती है। फिर क्या करते हो उसका? टेप लगा देते। अच्छा टेप लगा देते, पता नहीं चलती है वो चार पतंगों में एक पतंग आ गई तो क्या पता चलेगी। दो कंपनी है कागज की, अजंता की। हाँ। और खडेमा। खडेमा बस, उसके अलावा फिर कोई है। तो सिर्फ पतंगों का कागज बनाती है? जी हाँ केवल पतंग का ही कागज बनाती है। और पतंगबाज कौन सी पतंग यूज करते हैं? यही वाली जो आप बना रहे हैं। कोने में थोड़ी थोड़ी नोक एक्स्ट्रा निकली हुई है ताकि ये घूम जाए। जी जी। फोर्ट अपनी छाप भी छोड़ रहे हुए? ये क्वालिटी। हाँ हमारी क्वालिटी है। क्वालिटी चेक हो गई है जी। तो अभी तुम्हारी क्वालिटी से ही बिकती होगी कि भाई की काइट तो अच्छी होगी। जी जी जी। और कितने की बेचोगे तुम इसको? ये हमारे पास से 18 रुपए पतंग है। तुम्हारे पास से? और बाहर कितने की बिकेगी?
वहाँ 25 रुपए की 20 रुपए से दुकानदार बेचना चालू कर देगा, होलसेल में 20 रुपए ही बेचेगा। अच्छा अच्छा, मतलब वही 20 से 30 के बीच में बिकेगी, क्वालिटी अलग होती है ना इसकी। अच्छा अच्छा, तो इसमें ऐसे क्वालिटी का पता कैसे चलता है कि नॉर्मल पतंग और इस पतंग में फर्क क्या होता है क्वालिटी में? क्वालिटी किस चीज़ की होती है? कमान ठड्डे की क्वालिटी होती है खाली, तो उससे क्या पतंग ज्यादा अच्छी उड़ेगी? जी, ये आप ऐसी बांध के उड़ा देंगे बिल्कुल सीधी उड़ेगी, सीधी है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाएगी लेफ्ट राइट। तो जो नकली पतंग होती है लेफ्ट साइड झोंका राइट साइड झोंका लुप्पी उप्पी, हाँ वो सही नहीं हो पाती है और ना टाइट रहती है, कोई भारी हो जाती है कोई बहुत हल्की हो जाती है। तो पूछो बांध जा रहा है धागा। अच्छा ये धागा क्यों बांध रहे हैं व्हाइट वाला अपन? ये लौटी अंगी। अच्छा अच्छा, उससे फटे ना। अच्छा, पतंग साइड से फटे ना। हाँ, जब डबल हो जाती है ना तो पतंग फटती नहीं है। तो एक दिन में कितनी पतंगे बना देते होगे तुम? जैसे वैसे तो ज्यादा बन जाती है, वैसे सिंगल ये सबका काम बड़ा हुआ है ना, ये मेरा काम नहीं है। तो फिर भी मान लो एक दिन में कितनी तुम्हारे गोदाम में कितनी तैयार हो जाती है? 1500-2000 एक दिन में 96 से जी सिर्फ पतंग ही बनाए जा रहे हो 96 से? क्या बात है, देख रही हूँ मम्मी। और हम 2000 से पतंग उड़ाए जा रहे हैं, हम बनाए जा रहे हैं, हम उड़ाए जा रहे हैं। ये तो है, ये लौट गई है अब इससे। हाँ, ये पतंग फटती नहीं है, मजबूत ही हो गई। ये कागज बहुत कमजोर है, ये अलग ही, ये देखो डिजाइन बना रखे हैं। ये यहाँ के कागज हो ना, ये क्या मोम है क्या? ये मोम मोम का डिजाइन है ना? ना ना, ये वाला जो मैंने रखा। अच्छा, इसका डिजाइन। अच्छा, ये रगड़ते हो आप हाथों से? सब डिजाइन बनता है ये, तो इसी से वैल्यू हो जाती है पतंग की। एक ये पतंग है, तो काफी डिजाइन की पतंगे मिलेंगी, ये दिल्ली में तो आज तक देखी नहीं है मैंने। तो ये देखो इनकी लाइनिंग कैसे है, लाइनिंग इन्होंने ऐसी बनाई है जैसे उसमें वो रगड़ा था ना, उसी से ये लाइनिंग बनी है। वो काफी अच्छी लग रही है पतंगे, और ये सारी 18-18, 15-18 ऐसे निकलती हैं। जी जी, तो ये सारे हैं कागज। और ये पूछे हैं, पूछ पूछ की गड्डिया। तो ये छोटा सब्सक्राइबर, क्या हाल है भाई? तो अभी आपको गोदाम दिखा दो, यहाँ लकड़ियां लकड़ियां मिलेंगी, बड़ी लकड़ी छोटी लकड़ी। कमांड, ये देखो क्या बोलते हैं इसको, कमांड कमांड ठड्डे, कमांड ठड्डे जी। अच्छा, ये सारे वो है। तो ये नाम किस, ये मतलब किस किस जगह लगती हैं? अलग अलग लकड़ियां हैं ये? हाँ जी, कमान के बीच में लगती है, बीच में लगी होती है ये भी। अच्छा, ये बीच वाली है? ये बीच वाली और साइड वाली, बीच वाली है जो। तो पता कैसे लगता है कि कौन सी बीच वाली कौन सी साइड वाली? इसका साइज होता है, ये बड़ी होती है। हाँ, और ये मोड़ने में सॉफ्ट होती है थोड़ी। हाँ, और ये सॉफ्ट नहीं होती है, ये हार्ड होती है थोड़ी, ऐसे करके लग जाती है ऐसे। इन्होंने पूरा कवर कर रखा है पतंगों से, ये देखो दूर दूर तक पतंगे ही पतंगे दिखेंगे, ऊपर से लेके ऊपर लकड़ियां लकड़ियां, नीचे पतंगे बंधी हुई है पूरी पोटली में। ये कहाँ जाएंगे अभी पतंगे? ऑर्डर का काम है। अच्छा, दिल्ली भी जाती है? जयपुर दिल्ली, जयपुर दिल्ली लखनऊ, ये ऑल इंडिया में सर जाती है यहाँ। अच्छा, और अभी आपको दिखाता हूँ मंजा। मंजा जो बनता है वो बड़े मैदान में बनता है, क्योंकि उसको सुखाना भी पड़ता है। तो ये जितना भी मैदान है देखो, लकड़ियाँ लगाई गई हैं सूतने के लिए, और ये पीछे तक, और ये देखो, ओए हाथ निकाल, को जाना नहीं है। तो ये धागा सूख रहा है, ये क्या है, मंजा है सद्दी है? सद्दी है, तो ये अभी सूख रही है। ये देखो ये मांजा लगाया हुआ है, और ये क्या कर रहे हो तुम्हारा काम लपेटने का है, लपेटने का जो सूख सूख चुका है, क्या कर रहे हो तुम्हारा क्या काम है भाई इससे? ये हमारा काम बनाने का है, सूतने का। सूतने का, सूतना होता क्या है जी? होता क्या है सूतना? जैसे कि जो लुद्दी है, हाँ, इसको इससे मांजा बनाया जाता है। अच्छा, मतलब सद्दी के ऊपर ये कुछ लगा रहे हो, ये धागा कड़क हो जाएगा जिससे ये मंजा बोलते है ना जी। तो ये होता काय का लेप क्या है इस लेप में? इसमें चावल होते हैं और शीशा कांच वगैरह पिसा हुआ मिला होता है। ये देखो, अच्छा अच्छा, तो कितनी बार ये राउंड करोगे? एक दागे। चार बार चार बार एक धागे पे लुद्दी बन जाती है। लुद्दी को सद्दी के ऊपर घसीटते हैं, जैसे ये घसीट रहा है, ये देखो ठीक है, सद्दी के ऊपर लेयर पे लेयर चढ़ती आती है और वो स्ट्रांग होता जाता है, कांच चढ़ता जाता है उसके ऊपर। तो ये देखो मंजा काला हो गया। तो अलग अलग कलर की लुद्दी बना के अलग अलग कलर का मंजा बना देते हो गए। ये है लुद्दी, ये ऐसे लपेटी गई इस पे सद्दी पे, ये देखो ऐसे ऐसे काले करेंगे। ये देखो चार बारी, एक धागे पे चार बारी है, और तब जाके फिर ये सूखेगा। सूखेगा कितनी देर में? पाँच मिनट सूखने में, और फिर इसको लपेट लेंगे। बस ये होता है पूरा मांजा बनाने का प्रोसेस। 20 मिनट सूखने के बाद फिर ये पूरे लपेट देते हैं। और ये चक्री कितने की, कितनी रील की है? 12 रील की है। फिर बन गई ये पूरा आपका मांजा, बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो ये बंदा नॉन स्टॉप 12 रील लपेटता है। हाथ में दिखाना कांच वांच लगा के कि हाथ कटे ना, तो ऐसे कांच लपेट लेगा। और उस साइड में क्या है, ये बैंड है उस साइड में, उसके अंदर ये घूमता रहता है। हाँ, अब घुमाना, अब ये रील का वो लगा देगा कि हाँ भाई एक रील कंप्लीट हो गया ना, कंप्लीट हो गई एक रील, और फिर इसके ऊपर लपेटेगा। यहाँ पे बहुत लोग मंजा बनाते हैं, कोई इस ग्राउंड में, कोई इस ग्राउंड में, कोई इस ग्राउंड में। मंजा कहाँ कहाँ सप्लाई करते हो आप? ये हर जगह जाता है, ऑल ओवर इंडिया है, ऑल ओवर इंडिया भी,
और बाहर विदेशों में जाता है। अच्छा, इस बताओ आप यहाँ से कितने का बेचते हो, गोदाम से और बाहर कितने का मिलता है, कितने रेटों का फर्क आ जाता है लगभग, आइडिया दो। ये तो लगभग फर्क आता है 100-200 रुपए का बस। अरे नहीं यार, तुम कितने का, जैसे मान लो तुम कितने का बेचते हो, एक एक चक्री कितने की बेचते हो? 1500 रुपए की। 1500 रुपए की 1700 की मार्केट में बिकती है। वहाँ से कितने की बेचते हैं? वहाँ से दुकानदार के साहब कितने बेच, कितने मैक्सिमम तुम्हें? 3000 जितने में वो चुपका दे, जितना उसको औसत आ जाए। हाँ, जितने में कट जाए बंदे का। है हाँ भाई, हाँ ये है 12 रील की चक्री और पूरी ब्लैक कलर की है भाई, कितनी सही चक्री है। अब मेरा मन कर रहा है इसको ले जाऊं। तैयार हो गई? हाँ। तेरे लिए? हाँ? जगह कौन सी है जहाँ मंजा बनता है? हुसैन बाग बाकरगंज है ना, तो यहाँ सारा मंजा बनता है। तो अभी आपको दिखाता हूँ पतंगों का मार्केट। तो यहाँ देखो पतंग ही पतंग है, और यहाँ भी अच्छा खासा फेमस है। तो यहाँ ऊपर पतंग बन भी रही है, नीचे भी बन रही है, देखो यहाँ पे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ रिसेलर रिटेलर जितने भी हैं पतंगों के। वाओ, कौन सी जगह है ये? सराया है? सराया, सराय खां या सराया, सराया खाम। तो यहाँ पे कुछ दुकानें मिल जाएंगी पतंगों की, आगे भी है, ये पूरी पतंगों की मार्केट है। तो चक्रियाँ, अच्छा कलर वाली चक्री आप पे? अरे क्या बात है, तो यहाँ पतंग बनती भी है और बेच भी रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हो काफी पतंगे, ऊपर तक अंदर तक पूरे मांजे ही मांजे, काफी बड़ी पतंग। तो यहाँ भी एकदम काफी सारी पतंगे हैं, देखो। हाँ सर, तो ये है एलईडी वाली चक्री, तो इसमें चलती है एलईडी। यहाँ पे बैग बुक भी मिल जाते हैं। तो यहाँ होलसेल रिटेल दोनों करते हो? हाँ सब करते हैं। 1 लाख रुपए का भी है, लाख का या 10 लाख का हो सब। अच्छा, इतना माल उठता है यहाँ से? अरे क्या वो बिजनेस है भाई हिंदुस्तान के अंदर। हाँ यही बात है, मंडी जो है सबसे बड़ी मंडी है यहाँ पे, बरेली की है, बरेली की सबसे बड़ी मंडी है। हाँ, दुनिया में माल जाता है इस मंडी से। अच्छा अच्छा, तो अब हम जा रहे हैं पतंग उड़ाने मैदान में, पतंगबाजों के बीच में। कौन सा एरिया? गाँव का एरिया है। गाँव का एरिया? हाँ, खेतों खेतों का रास्ता जाना। अच्छा, खेतों का रास्ता उतारते हैं नीचे। लड़ाते हैं पेचे वेचे लड़ाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ सारे पेचे लड़ाने वाले पीछे तक, ये देखो पीछे तक भीड़ लगी पड़ी है। तो डेली मैदान में वो बाजी होती है यहाँ पे? हाँ, करते हैं। अच्छा, पैसे वैसे का भी लगता है क्या? नहीं, पैसे उसे नहीं, मतलब शौक करते हैं अपना। यहाँ मैं देख रहा हूँ बहुत ऊंचे ऊंचे पेचे लड़ा रखे हैं, ये देखो कितनी दूर दूर, कितनी दूर दूर पतंगे दिख भी नहीं रही होगी आपको, मतलब पुरानी पतंगे लग रही है। अच्छा, मुरादाबाद की है, तो यहाँ बरेली और मुरादाबाद की में फर्क क्या भाई? पैसों का कलेक्शन होता थोड़ा है? पतंग की खूबसूरती भी होती है। अच्छा, और थोड़ा चलत फिरत की भी बात होती है। अच्छा, तो चलत किसकी बढ़िया होती है? जिस कारीगर का नाम अच्छा हो, फेमस हो, उसकी पतंग अच्छी होती है। अच्छा, कारीगर पर डिपेंड करता है। तो ये देखो इन पे करीब काफी पतंगे हैं, और ये कितने की लाई वाली पतंग है? ये 20 रुपए की एक है। 20 रुपए की एक है? अरे यहाँ शॉप भी आओ, डर लगेगा तो भाग लेंगे ना। तो ये है बिल, इस बिल में सांप है। अच्छा वहाँ पे, हाँ वो रहा बिल वहाँ पे। उड़गी उड़गी उड़गी, उड़ रही है भाई, मजेदार। लो मम्मी को पकड़ो, लो मम्मी पतंग उड़ा, ए पकड़ो ना, अरे लो लो उड़ा। नहीं ना, हाथ कट जाए मेरे को। अरे नहीं कटता भाई, लो पकड़ो तो एक बार। अरे नहीं, टाइट थोड़ी है पतंग, अरे टाइट थोड़ी है। अरे ताकत, अरे नहीं भाई वो दूसरा होता, मान जा। डर के उड़ा रही हूँ मैं अभी, छोड़ो रहने दो। देखो अब मेरे साथ वो जो लड़का था, आजा भाई आजा, लड़ाते हैं। अरे यार मजा आ रहा है यहाँ पे पतंगबाजी करते हुए। तो ये लोकेशन कौन सी जगह है भाई? ये डब्बर, 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 बागरगंज डब्बर। और यहाँ पे मतलब सुनसान है, मतलब आधे बरेली को तो पता ही नहीं, भी नहीं पता। अभी बरेली गए ना, सारे पतंगबाज हैं दूर दूर तक, देखो
भाई ये उड़ा रहे हैं। एक भाई खेच मार के दिखाओ यार, बढ़िया सी खेच है, खेच मार के दिखाओ भाई, एकदम मतलब सुपर फास्ट मारनी है खेच। हाँ हो जाए ठीक है, 3 2 1 ये सही कर रहे हो भाई। कितने साल से, कितना समय, 20 साल, 15 साल हो गई, 15 साल, 15-20 साल हो गई होंगी। क्या बात है, तो हम लोग इतने पुराने पुरानेबाज़ है।